हेलो एवरीवन, हमारे यूट्यूब चैनल गार्डन आर्टिस्ट तरुण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही सुंदर और प्यारे प्लांट के बारे में, जिसका नाम है चमेली। यह पूरी तरह से भारतीय प्लांट है। जितना खूबसूरत चमेली का फ्लावर होता है, उतनी ही खूबसूरत इसकी बेल होती है। इसके ग्रीन और डार्क कलर के पत्ते बहुत ही खूबसूरत दिखाई देते हैं। चमेली के फ्लावर में बहुत ही भीनी भीनी महक आती रहती है। इसके पौधे को घर में लगाने से सकारात्मक ऊर्जा भी आती है। वास्तुशास्त्र के अनुसार चमेली का पौधा घर में लगाने से सुख शांति और तरक्की बनी रहती है। वहीं यह परिवार के बीच में मनमुटाव की स्थिति को भी कम करता है। बेहद खुशबूदार और सुंदर फ्लावर होने के साथ साथ इन्हें शुद्धता का प्रतीक भी माना गया है। इन प्यारे सफ़ेद सफ़ेद फ्लावर में बहुत तेज खुशबू आती रहती है। कहीं कहीं इसे विनय के प्रतीक के रूप में भी माना गया है। यह वर्ष के 2 महीनों में लगाया जाता है, सबसे ज़्यादा जून में और उसके बाद सितंबर में। ये जिस मौसम में लगाया जाता है, उस मौसम में ना ज़्यादा गर्मी होती है, ना ज़्यादा बारिश और ना ही ज़्यादा सर्दी होती है। कहते हैं जहाँ चमेली का फूल लगा रहता है, वहाँ पर देवी देवताओं का वास माना गया है। इस फ्लावर की महक को नींद लाने में एक दवाई के रूप में उपयोग किया जाता है। इसकी खुशबू लेने से आपको रिलैक्स महसूस होगा। वहीं यह बालों को कंडीशनर के रूप में भी उपयोग किया जाता है। चमेली की बेल को खुशबूदार फ्लावर की वजह से ही नहीं लगाया जाता, बल्कि यह कई दवाइयों में भी उपयोग की जाती है। चमेली के फ्लावर और पत्ते दोनों को पीसकर बालों में कंडीशनर की तरह उपयोग किया जाता है, जिससे हमारे बाल घने और बहुत ही खूबसूरत हो जाएंगे। मुंह और गले के छालों के लिए भी चमेली के पत्तों का उपयोग बताया गया है। चमेली के पत्तों को चबाने से मुँह के छालों और गले के छालों में बेहद राहत महसूस होती है। अपनी घर की शोभा बढ़ाने के लिए इस प्लांट को ज़रूर लगाएं। यह बडिंग से लगाया जाता है और आप इसे गमले या ज़मीन दोनों तरह से लगा सकते हैं। इसे पर्याप्त पानी की आवश्यकता होती है, इसलिए जितना हो सके इसमें पानी अच्छे से दें, ताकि इसकी जड़ों में नमी बरकरार रहे। आपको हमारी जानकारी कैसी लगी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।